आज मैं एकदम इजी रेसिपी आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके साथ मैं आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहती हूँ। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आज मैं आपको एक नया बेस्ट किचन कुकवेयर दिखाना चाहती हूँ। आपको पता ही होगा कि हम हमारा नया किचन स्टूडियो बना रहे हैं। मुझे अपने नए किचन स्टूडियो में कुछ कुछ नए कुकवेयर चाहिए। हाँ, तो मैं गई www.pots and pans साइट पे। हाँ, तो वहाँ से मैंने कढ़ाई, फ्राई पैन और तवा खरीद लिया, और भी मुझे जो अच्छा लगा प्रोडक्ट वो भी मैंने खरीदा। तो ये प्रोडक्ट में जो कॉमन है वो है क्वालिटी। आज मैं आज की रेसिपी बनाने के लिए मेयर की फ्राई पैन यूज कर रही हूँ। हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा। हाँ, तो मसाला डोसा बनाने के लिए पहले हमें मसाला तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसा डोसा कैसा बनेगा मसाला डोसा? आपको तो मालूम है कि डोसा का ये बैटर बना के मैंने रेडी रखा है। तो हमें चाहिए ये बैटर डोसा बनाने के लिए। हमें चाहिए प्याज, हमें चाहिए आलू, हमें चाहिए राई, हल्दी पाउडर, कड़ी पत्ता, नमक, हरी मिर्च, हींग, कटा हुआ हरा धनिया, और ये है अरहर का दाल। तो चलो हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ, तो मैंने गैस चालू करके ऊपर पैन रख दिए। अब हम इसमें डालेंगे तेल। हमें 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। हाँ, तो हमने गैस पे पैन रख दिए, उसमें तेल डाल दिया है। अभी हमारा तेल गर्म होएगा तो हम उसमें तड़का देने की तैयारी करेंगे। हाँ, तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हमें डालना है ये उड़द की दाल। तो हम 1 चम्मच भर के डालेंगे उड़द की दाल। उसके बाद डालेंगे हम राई, 1/2 चम्मच राई, हींग 1/4 चम्मच, ये हमने जो कड़ी पत्ता लिया है वो भी डाल देंगे, और ये हरी मिर्ची जो 1 हमने काटी है वो भी हम डाल देंगे। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, उसका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे आपका खाना अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि ये पैन खाली बीच में से गर्म नहीं होता है, ये चारों तरफ से गर्म हो जाती है, तो आपके खाने को अच्छी तरह पकाने का मौका मिलता है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि इसकी हीट चारों तरफ से लग रही है और चारों तरफ से हमारा खाना अच्छी तरह से पक रहा है। हाँ, तो अब हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हमें प्याज में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हमें इसे चाकू से काटना नहीं है, हाथ से ही मैस करके उसमें डालना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और ये कटा हुआ धनिया। हाँ, तो चलो हमारा मसाला डोसे का मसाला रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे डोसा और मसाला डोसा, और साथ में चटनी तो चाहिए ना, तो चटनी भी बना लेते हैं। और आपको तो हमने कितनी बार हमारी चटनी की रेसिपी दी है, तो आप उसमें से देख के भी चटनी बना सकते हैं। हाँ, तो चलो अब हम मसाला डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने पैन तो पहले से ही गर्म रख दिया है, तो चलो हम बनाते हैं मसाला डोसा। ये प्रोडक्ट नॉनस्टिक कुकिंग का अनुभव देता है और आपके खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। डोसा तो हमने बनाया, लेकिन हमें मसाला तो बीच में रखना जरूरी है। हाँ, तो चलो हमने मसाला भी डाल दिया और हमारा मसाला डोसा भी रेडी है। मैर कंपनी का तवा और कढ़ाई इतना मजबूत है और उसकी ग्रिप सेफ है, तो आपको खाना पकाना एकदम आसान हो जाएगा। हाँ, तो चलो हमारा एक डोसा तो तैयार हो गया है, अब हम दूसरा डोसा बना लेते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आपको खाना पकाना है, तो डोसा तो बहुत इजी है। आजकल तो सब होटल में चटनी भी मिलती है तैयार, सांभर भी मिलता है तैयार, सिर्फ आपको डोसा ही बनाना है। तो बाहर से बैटर लाइए और अपने हॉस्टल में तब मेहर का तवा लेकर डोसा बनाइए, बहुत मजा आएगा। हाँ, अगर आप जो ये प्रोडक्ट की अच्छी तरह देखभाल करोगे तो वो ज़्यादा समय तक टिक जाएंगे
और ऐसे के वैसे ही रहेगी। हाँ, उसके जो प्रोडक्ट है वो टिकाऊपन और अच्छी गर्मी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और ये सुसंगत खाना पकाने की सतह प्रदान करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो आपके खाना पकाने के अनुभव को सुखद और सरल बना देती है। हाँ, तो कैसी लगी आपको मेरी सरप्राइज? आज मैंने मेयर के बर्तन में खाना पकाया है, तो अगर आपको मेयर के प्रोडक्ट पसंद आए हैं तो जाइए उसकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कीजिए। हाँ, अगर आपको हमारी ये मसाला डोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।